ताज नगरी आगरा में हर वर्ष लगने वाले ताज महोत्सव की श्रृंखला में इस बार महोत्सव ने अपने 26वें वर्ष में कदम रखा। 18 से 27 मार्च तक होने वाले 26वें ताज महोत्सव की थीम इस बार विरासत की छांव में रखी गई। महोत्सव की थीम के अनुसार यहां शिल्प ग्राम के मुक्त काशीय मंच पर अलग अलग रंग दिखाई दिए। एक और जना ब्रज की फूलों की होली और चरकुला नृत्य दिखाई दिया, तो वही महोत्सव की शाम का आगाज जवां दिलों की धड़कन बॉलीवुड सिंगर जावेद अली की सुरमई सूफियाना आवाज से हुई। और जब भी ताज महोत्सव में आने का मौका मिलता है बहुत ही एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ही रोमांटिक प्लेस कहा जाता है। अगर रोमांस की बात आती है तो ताजमहल को हम लोग भूल नहीं सकते। तो यहाँ पे परफॉर्म करके हमेशा एक बहुत ही फ्रेश फील होता है और बहुत ही क्या कहें, टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील होता है। बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैं इससे पहले भी सीजन कर चुका हूँ, होस्ट भी कर चुका हूँ सारेगामापा, और सारेगामापा का एक अलग अपना एक बहुत ही बड़ा स्टैंडर्ड है। और मुझे इतनी खुशी हो रही, इतना कमाल का टैलेंट और इतना प्यार लोग कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि ये जो शो है वो नंबर वन शो हो चुका है हमारे इंडिया का, और टीआरपी वाइज भी बहुत सबसे आगे हैं। तो हमें इस बात का खुशी है कि आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट शो, एंड लोग बहुत मज़ा ले रहे हैं, बहुत ही एक एक मोमेंट इंजॉय कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं नो कमेंट्स बोलूंगा। जब जी नए बच्चों को आप जज कर रहे हैं, तो जज के एक भूमिका के तौर पे आप बच्चों को डिस्क्वालीफाई भी करते हैं, तो कैसा फील होता है उस टाइम आपको? देखिए, क्या ना, वो सबसे कठिन मोमेंट होता है, क्योंकि क्या है, एक प्रोग्राम का आपको सभी को पता होगा कि एक फॉर्मेट है, और उस फॉर्मेट को हमको सभी को फॉलो करना पड़ता है, चाहे मैं हूँ, नेहा हूँ या इमेज ही हूँ। तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है जब एलिमिनेशन का वक्त आता है, लेकिन क्या करें, फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा चाहे कितना भी हमें दुख हो। और दूसरी बात, जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो सारे तो विनर बनेंगे नहीं, तो एक ही विनर बनेगा, धीरे धीरे सबको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। लेकिन है ना, हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बच्चों को नाक है ना, मतलब ऐसा है कि ना जैसे कुएं में आप कूद जाएं और है ना खुदकुशी कर लें, ऐसा फीलिंग आती है। आज महोत्सव के उत्सव पर क्या कुछ खास पेशकश देखने को मिलेगा? देखिए, क्या है, मैं तीन अलग अलग सेगमेंट्स लेकर आया हूँ यहाँ पे, जो इससे पहले मैंने परफॉर्म नहीं किया। कुछ नए गाने आए हैं मेरे जो मैं परफॉर्म करूँगा, और तीन अलग अलग सेगमेंट्स होंगे जिसमें रोमांटिक भी होगा, सूफी होगा, और थोड़ा सा पेपी नंबर्स होंगे। तो ये अलग अलग जितने भी तरह के लोग होंगे जिनको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल का म्यूजिक, थोड़ा वर्सटाइल म्यूजिक पसंद है, उन सबको सभी के लिए कुछ ना कुछ मैं लेकर आया। इस बार एक नया चलन देखने को मिल रहा है, पुराने गानों को रिमिक्स करके दोबारा से फिल्म बनाया जा रहा है। हाँ जी, एक्चुअली आपने देखा होगा कि मैंने कुछ साल पहले जब मेरे बॉलीवुड के गाने नहीं आए थे,
तो मैं बहुत सारे रिमिक्स गाए थे और बहुत हिट हुए थे, बिन तेरे सनम और ये सारे गाने। तो देखिए क्या होता है, ये तो साइकिल है और ये साइकिल कहीं ना कहीं घूम के फिर दोबारा से एक पहिया घूम के फिर दोबारा से उसी बनता है। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ एक नए साउंड के साथ, क्योंकि आजकल साउंड का ज़माना है, तो एक रिफ्रेश करके गाने को अगर कोई अच्छा बना के पेश किया जाता है तो मैं समझता हूँ लोगों, अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, चाहे हमें बुरा लगे या अच्छा लगे। आपकी निजी राय क्या कहती है इस बारे में? मेरी निजी राय जो है, अगर एक गाना रिफ्रेश होके अगर अच्छा साउंड कर रहा है, एक फ्रेश लग रहा है, जब तक कानों को अखर नहीं रहा है, तो इट्स गुड।